इस गर्मियों के मौसम में क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कुछ खाने का मन नहीं करता, या फिर एटलीस्ट रोटी सब्जी खाने का मन तो बिल्कुल नहीं करता, कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन करता है, येट कुछ जूसेस या स्मूदीज नहीं बल्कि कुछ सॉल्टी खाने का मन करता है? अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बहुत ही टेस्टी लंच ऑप्शंस जो कि मिनटों में बन जाएंगे। जो लोग फिटनेस जर्नी पर हैं, फिट रहना चाहते हैं, वेट नहीं बढ़ाना चाहते, तो ये रेसिपीज वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं। आपकी पूरी फैमिली से इंजॉय करने वाली है। ये सभी बहुत ही टेस्टी, फिलिंग, न्यूट्रिशियस और जल्दी बन जाने वाले मील्स हैं। कुछ मील्स ऐसे भी हैं जिन्हें आप पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो शुरू करते हैं दही भल्लों के साथ। अब दही भल्ले तो आपने बहुत खाए होंगे, पर क्या आपने कभी मैंगो दही भल्ले खाए हैं? आजकल मैंगो सीजन में है, तो इसी के साथ बनाते हैं टेस्टी चाट। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है घर का फ्रेश दही और इसे विस्क कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश मैंगो प्योरे। दो मैंगोस को मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और अब इसे कर्ड में मिक्स कर लेंगे। जो आप बाजार से लेकर मैंगो योगर्ट खाते हैं ना, ये वही है, और आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज मिलने वाली हैं। तो चाट बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी के दही भल्ले, जिसे मैंने डीप फ्राई नहीं किया बल्कि अप्पम स्टैंड में बनाया है। अगर आपको ये भल्ले बनाने की पूरी रेसिपी चाहिए तो मैं इसे इस वीडियो के एंड में शेयर करूंगी। तो अब इन भल्लों पे मैं डाल रही हूँ ठंडा ठंडा मैंगो योगर्ट। अब इस पे डालेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर, होममेड इमली चटनी, पुदीना चटनी, थोड़ा सा अनार, काजू और किशमिश। डेकोरेट करने के लिए आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। लग रहा है ना टेम्प्टिंग? गाइस, इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाली है। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस चना दाल चाट। अगर आपको चना दाल वैसे नहीं पसंद तो इस चाट में तो जरूर पसंद आने वाली है। तो इसके लिए मैंने ली है ये बॉयल्ड चना दाल। बॉयल करने के टाइम मैंने इसमें नमक और हल्दी डाला है बस। इसे इतना ही बॉयल करना है कि ये सॉफ्ट भी हो जाए येट मैश भी ना हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, चॉप्ड प्याज, हरी शिमला मिर्च, रेड एंड येलो बेल पेपर्स और थोड़ी सी अम्बी। आपके पास जो भी वेजीज हों वो आप इसमें डाल लें, और चाहें तो सिर्फ प्याज और टमाटर के साथ भी इसे बना सकते हैं। हाँ, इसमें अम्बी को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और अगर अम्बी ना हो तो आप अमचूर का पाउडर डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और धनिया पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस, और इसको भी मिस नहीं कर सकते। ये सैलेड जितना खट्टा बनेगा ना उतना ही टेस्टी लगेगा। अब इस पे डालेंगे धनिया और हमारा सैलेड रेडी है। ये सैलेड भी पोस्ट वर्कआउट लेने के लिए बहुत बढ़िया है। इट्स एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन। ये हाई फाइबर मील है, हमें एनर्जी देता है और वेट लॉस फ्रेंडली तो है ही। गाइस, हम अपने वेट लॉस डाइट प्लान्स में भी ऐसे टेस्टी मील्स देते हैं ताकि खाते पीते वेट लॉस हो जाए, एनर्जी भी बनी रहे और न्यूट्रिशन भी पूरा मिले। अब नेक्स्ट मैं बना रही हूँ व्हाइट चना चाट। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ बॉइल्ड चने। इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन, टमेटो और खीरा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, जो कि इसके टेस्ट को डबल कर देगी। यस, इसे ट्राई जरूर करें गाइस। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलिव्स, हैलापीनोस, हरा धनिया, टेस्ट के हिसाब से नमक, लाल मिर्च पाउडर और रोस्टेड जीरा पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मील भी आप पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं। इसको खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती। ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है और बोन्स को भी स्ट्रांग बनाता है। तो इसे ट्राई जरूर करें गाइस। नेक्स्ट बनाते हैं कर्ड राइस। गर्मियों में खाने के लिए ये भी एक बहुत ही क्विक और टेस्टी मील है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ कुक्ड राइस। राइस को पका के और एकदम ठंडा करके यूज करें, क्योंकि इसमें हमने ठंडा दही डालना है, और इस डिश का पूरा मजा तभी आता है जब ये एकदम ठंडी खाई जाए। तो कर्ड और राइस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इसकी टेम्परिंग के लिए एक चम्मच ऑयल में मैं डाल रही हूँ सरसों, जीरा, साबुत लाल मिर्च और फ्रेश कड़ी पत्ते। अब इसे कर्ड राइस में डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे धनिया, पीनट्स और अनार। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपीज है गाइस, और इसमें भी आप अपनी चॉइस के कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे कि ग्रेप्स या फिर मैंगोज या कुछ भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ रोस्टेड जीरा पाउडर, और ये भी इसके टेस्ट को एनहांस करता है। तो हमारे कर्ड राइस हैं रेडी, और आप इसका एक बोल लंच में ले सकते हैं, और इससे आपको कितने फायदे मिलते हैं। जिनको स्टमक या डाइजेशन इश्यूज रहते हैं, कर्ड राइस उनके लिए बहुत बढ़िया है। ये प्रोबायोटिक्स में रिच है, हेल्दी फैट्स में रिच है, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है, और बॉडी को कूल रखता है, माइंड को रिलैक्स रखता है, और ओवरऑल एक कंप्लीट मील है। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ लोबिया चाट। ये लोबिया दाल से बनती है, जिसे रोंगी भी कहा जाता है। ये दाल भी अगेन प्रोटीन और फाइबर लेने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बॉइल्ड लोबिया, और इसे भी मैं बना रही हूँ ढेर सारी वेजीज के साथ। तो मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड अनियन, टमेटोस, ग्रीन चिलीज और कैप्सिकम्स। अब इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और लेमन जूस। सभी सब्जियों को रॉ ही लेना है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये भी बहुत टेस्टी चाट बनती है। इसमें थोड़ा क्रंच ऐड करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पीनट्स, और एंड में इसे धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर वेट मैनेज करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक आइडियल मील ऑप्शन है। लोबिया डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं और कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच होते हैं, तो हमारी स्किन को एजिंग से बचाते हैं। इससे आयरन, प्रोटीन और फोलेट मिलता है, तो प्रेगनेंसी में भी खाने की सलाह दी जाती है। तो इस चाट को भी जरूर ट्राई करें गाइस। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ ब्लैक चना चाट, और इसे भी मैं बनाने वाली हूँ बहुत सारी वेजीज के साथ। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बॉइल्ड काले चने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम्स, टमेटो, कच्ची अम्बी, पनीर, थोड़ा सा अनार, अनियन, पीनट्स, अखरोट, ऑलिव्स और हैलापीनोस। अगेन ये सभी चीज़ें ऑप्शनल हैं गाइस, आप जितना चाहें इसे फैंसी बना सकते हैं, और अगर बेसिक रखना चाहते हैं तो सिर्फ प्याज टमाटर के साथ भी इसे बना सकते हैं। बट जितनी ज़्यादा रॉ सब्जियां आप डालते हैं, उतने ज़्यादा फायदे आपको मिलते हैं। अब इसमें डालेंगे काला नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक नींबू स्क्वीज कर लेंगे, अनार से गार्निश कर लेंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और हमारी चाट है रेडी टू सर्व। तो अगर आप इसे लंच में ले रहे हैं तो एक अच्छा बोल भर के भी ले सकते हैं। काले चने प्रोटीन और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, डाइजेशन अच्छा रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक में रखते हैं और वेट लॉस में तो हेल्प करते ही हैं। ये बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट है हम सबकी फेवरेट राजमा चाट, अगेन एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बॉइल्ड राजमा, और इसे भी मैं बनाने वाली हूँ ढेर सारी सब्जियों के साथ। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ राजमा। अब इसमें डालेंगे तीनों तरह की बेल पेपर्स, मैंगो और टमेटो। ये सभी मैंने रॉ वेजीज ली हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड कॉर्न और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे कोरिएंडर लीव्स के साथ गार्निश कर लेंगे। अगर आप इसे एज अ मील लेते हैं तो ये काफी देर तक आपका पेट भरा रखते हैं,
एक अच्छी फुलनेस की फीलिंग देते हैं और खाने में तो टेस्टी होते ही हैं। सो इसे भी ट्राई जरूर करें। अब नेक्स्ट आती है मखाना चाट, जो कि अगेन एक बहुत ही क्विक और टेस्टी चाट रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए रोस्टेड मखानास, और अगर आपके पास पहले से रोस्टेड मखानास रेडी हैं तो फिर तो समझो आधा काम हो गया। अब एक बोल में मैं ले रही हूँ मखाना, बॉइल्ड आलू और ठंडा ठंडा दही। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा अनार, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर और रोस्टेड जीरा पाउडर। अब इसमें डालेंगे पीनट्स। आ रहा है ना मुंह में पानी, पर अभी तो चटनीज बाकी हैं, तो अब इसमें डालेंगे पुदीना चटनी और इमली चटनी, और हमारी टेस्टी चाट खाने के लिए रेडी है। मखानास भी कैल्शियम और प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स में भी बहुत रिच होते हैं, तो अपनी डाइट में मखाने खाने का भी ये एक बहुत टेस्टी ऑप्शन है। नेक्स्ट आती है मटर चाट। ये मटर चने जैसे दिखते हैं, पर ये सफेद चने नहीं बल्कि मटर हैं, जो कि आपने मार्केट में कुलचे के साथ देखे होंगे, और ये भी एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मील है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ बॉइल्ड मटर। अब इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन और टमेटो। इसके साथ इसमें डालेंगे नमक, धनिया पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर और चाट मसाला। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस और फ्रेश धनिया के पत्ते, और हमारी मटर चाट है रेडी। इसका एक छोटा बोल आप शाम की चाय के साथ ले सकते हैं, या फिर लंच में एक बड़ा बोल एज अ मील भी ले सकते हैं। जो लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। विटामिन बी लेने का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, और हम तो इसे अपने वेट लॉस डाइट प्लान्स में भी देते हैं, क्योंकि ये इतना हेल्दी है। अब आ गई है हमारी लास्ट रेसिपी, और मैं बनाने वाली हूँ दही भल्ला चाट विद मैंगो। लेकिन ये रेसिपी हमारी पहली रेसिपी से थोड़ी डिफरेंट है। तो दही बड़े बनाने के लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ सूजी, और इसमें डालेंगे दही। थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर में डालेंगे अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर को 30 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 30 मिनट के बाद इसमें डालेंगे इनो सॉल्ट, एक चम्मच पानी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं ले रही हूं अप्पम स्टैंड, और इसे ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें ये बैटर डाल देंगे। कढ़ाई को गैस पे रख देंगे और 2-3 मिनट में इन्हें पलट देंगे। ये बड़े मिनटों में ही रेडी हो जाते हैं। चार से पांच मिनट में इन्हें निकाल लेंगे और हींग वाले गर्म पानी में डाल देंगे। इससे ये भल्ले सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इनमें हींग का फ्लेवर भी आ जाएगा। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूं दही, रोस्टेड जीरा पाउडर, मैंगो प्योरे, हरी चटनी और अनार, और हमारी टेस्टी चाट है रेडी। दही में मैंने पहले से नमक डाला हुआ था, इसलिए एक्स्ट्रा नहीं डाला। बाकी आप टेस्ट के हिसाब से इसमें मिर्च या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो गाइस, इन रेसिपीज को ट्राई जरूर करें, और इनमें से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अगर यूजफुल लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट।